नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज पांडे। इस वक्त मैं रांची एयरपोर्ट पर खड़ा हूं। हमारे पीछे आप देखिए ये अराइवल गेट है, मतलब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जो लोग बाहर निकलते हैं इसी गेट से होकर निकलते हैं। एयरपोर्ट पर हम लोग इसलिए मौजूद हैं क्योंकि पिछले 4 दिनों से दिल्ली में डटे कांग्रेस के नाराज़ विधायक फ्लाइट पर सवार हो गए हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद एयरपोर्ट के इसी दरवाजे से वे बाहर निकलेंगे। क्या कुछ दिल्ली से लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ खबर लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन लेकर आ रहे हैं, इसी मसले पर बात करेंगे। और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे, हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जुड़ गए हैं, संजय रंजन और मनोज पांडे। पांडे जी, दिल्ली से 4 दिन बाद ये विधायक लौट रहे हैं, खाली हाथ लौट रहे हैं या कुछ लेकर लौट रहे हैं? खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आए हैं। आसमें संजय जी खाली हाथ आ रहे हैं? नहीं, खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। एक इनको आश्वासन मिला है और एक भरोसा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व से जो इनकी बातचीत हुई है उस पे कुछ काम होगा। मतलब आश्वासन की पोटली लेकर आ रहे हैं, संजय बोल रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा खाली हाथ गए थे, खाली हाथ। जब आश्वासन ही लेना था तो ये लोग यहाँ से भी ले सकते थे। ये प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से और आला कमान से दोनों में अंतर है ना? कोई अंतर नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष पे कर सकते थे कि आप जाइए और हमारा ये है, आप जाके लेके आइए टाइम। इतना देर ये लोग जो दिल्ली में बैठ कर टाइम लिया है। पांडे जी बोल रहे हैं कि राजेश ठाकुर और केसी वेणुगोपाल में कोई अंतर नहीं है। केसी वेणुगोपाल जो 3 दिन के बाद विधायकों से मिले उसका कोई महत्व नहीं है। मिले ये ठीक है, लेकिन क्या केसी वेणुगोपाल के तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया? नहीं, केसी वेणुगोपाल ने किसी को ये नहीं वचन दिया है कि कोई चेंजेस होगा। आई विल लुक इन टू द मैटर। तो ये लुक वाला तो बात था, आप तो विधायकों को जवाब देना होगा ना कि उन्होंने कहा था कि जब तक मंत्रिमंडल में चेंजेस नहीं होगा हम नहीं जाएंगे सदन। हाँ। अब कैसे तैयार हो रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे सदन? हाँ। क्योंकि आश्वासन मिला है। तो जब अगर आश्वासन से ही काम हो जा रहा है तो आश्वासन तो हर कोई दे रहा था, पहले भी दे रहे थे, तो ये बात नहीं है। दरअसल अगर मुद्दा गंभीर था, अगर इनकी सचमुच चिंताएं थी तो उसका हल भी उसी तरीके से निकलना चाहिए था। हाँ। अगर हल नहीं निकला फिर एक आश्वासन, तो ये लाज बचाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इससे लाज बचा विधायकों का कि हाँ केंद्रीय नेतृत्व ने समय दे दिया, मिल लिए वो लोग तमाम लोग। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। और आगे अगर ये लोग कह रहे हैं कि चेंजेस होगा, जिसकी संभावना मुझे बेहद कम दिख रही है। व्यक्तिगत तौर पे ये समझ लीजिए कि 2 तारीख तक अब सदन चलेगा, 2 तारीख तक कुछ होगा नहीं, उसके बाद अगले 10 दिन के अंदर आपका लोकसभा का अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद कौन बैठेगा यहाँ मंत्रियों को चेंज कराने में? हर कोई जाएगा कि राज्यसभा में आप लोकसभा की तैयारियों में जुट जाइए। हाँ। तो ये अब टल गए। हाँ। तो यही है आश्वासन। अब इनके अलावा पार्टी स्तर पर संगठन में ये लोग क्या फेरबदल चाह रहे हैं, इसके अलावा मंत्रिमंडल में जिस तरीके से मैंने कई एक से पूछा और इवन जो जिनसे ये लोग मिल रहे थे उनसे भी पूछा, जो लबो लबा इनसे मिल रहे थे, 2 लोगों से मिले, उमंग सिंघार और केसी वेणुगोपाल। नहीं, प्रभारी से बात से भी मिले। अच्छा, प्रभारी से तीनों से बात होती है, प्रभारी से तो यहीं पर मुलाकात। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि जो बयान होता है वो खबर नहीं होता, खबर कुछ और होता है और बयान ऑफ द रिकॉर्ड ज्यादा निकलती है। तो उस बयान का लबो लबाब यही निकल रहा था कि हाँ इनकी नाराजगी गलत नहीं है, अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन अभी एक्सेप्टेबल एट द टाइम नहीं। क्या संजय आपको भी लग रहा है कि भले ही वहाँ से आश्वासन मिल गया ऐसा विधायक बता रहे हैं लेकिन कुछ होना नहीं है? नहीं, मेरे लगने या फिर पांडे जी के लगने से कुछ होना नहीं है। देखिए, पांडे जी जो बात बोल रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के स्तर से ये सारी चीज़ें होनी थी तो फिर दिल्ली क्यों गए, सिर्फ आश्वासन लेकर के क्यों लौटे? देखिए, राजेश ठाकुर से जो आश्वासन मिलेगा, गुलाम अहमद मीर से जो आश्वासन मिलेगा और आलमगीर आलम से जो आश्वासन मिलेगा उस पे अब यकीन करना विधायकों के लिए मजबूरी नहीं रह गई थी, तब जबकि 4 वही चेहरे को जो है रिपीट कर दिया गया। 16 फरवरी तक ये लोग उम्मीद जताए हुए थे और जिस तरीके से जहां तक बातचीत बोल रहे हैं पांडे जी कि मीडिया में इस तरीके का कोई बयान आया क्या, आप देखिए पूरे देश भर की राजनीति, सिर्फ आप कांग्रेस पार्टी के भीतर की बातों को आप क्यों आप ऐसा मानते हैं कि ऑफिशियल कोई बयान आ जाए? ऑफिशियल बयान किस पार्टी के तरफ से आता है, खास करके ऐसे मसले पे? आज तो मतलब लोग ये नहीं तय कर पाते हैं, ये मीडिया के पास तो एक खबरें नहीं रहती है ऑफिशियल
कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, कौन मंत्री बनने जा रहा है। पार्टी का तो छोड़ दीजिए, ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है उसके तरफ से तो कुछ ऑफिशियल नहीं आता, ऑफिशियल नहीं आता है। तो ये सब कुछ अपने हिसाब से चीजें चलती है और उन्हीं चीजों बातें निकल कर आनी है वो आ जाती है, चीजों के भीतर से जो बातें निकल करके आती है वो आती है। अब दरअसल ये जो बातचीत बोल रहे हैं, अब चूंकि पांडे जी की बातचीत होती है इनकी केसी वेणुगोपाल गुलाम मोहम्मद मीर से भी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि बातचीत में इनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है जैसा विधायक दावा कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि वो विधायक जो पार्टी से नाराज होकर के दिल्ली तक का सफ़र किए और बाकायदा उनकी एक जिद थी कि जब तक कि मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होगा तब तक वो विधानसभा का कोई भी सत्र अटेंड नहीं करेंगे, सिर्फ बजट सत्र की बात नहीं थी। आप देखिए कि ये जो वन टू वन जो मुलाकात हुई विधायकों की, सबसे पहले कल देर शाम डॉक्टर इरफान अंसारी की मुलाकात हुई, उमा शंकर अकेला की मुलाकात हुई और अम्बा प्रसाद की मुलाकात हुई, और आज जो बाकी पांच बचे हुए थे उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद जो है जो विधायकों से जो मेरी बातचीत हुई है उसमें उन लोगों ने जो स्पष्टता के साथ जो बताने की कोशिश की उसमें यही रहा कि मेन जो तीन पॉइंट रहा है इनकी, उन सारे उन तीनों बिंदुओं पे जो है केसी वेणुगोपाल से सभी विधायकों ने, चाहे वो कल मिले हों या आज मिले हों, सारे लोगों ने एक स्वर में बातचीत किया। और बकायदा वो तीन पॉइंट कौन थे, सबसे पहला पॉइंट जो सबसे बड़ा डिमांड है इन लोगों की वो ये है कि कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों को बदला जाए। एक तो जो सबसे बड़ा मांग था इनका, ये इस मांग को रखा गया आठों विधायकों के जरिए, भले ही वो मुलाकात वन टू वन हुई। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट इन लोगों की थी कि अभी जो चंपई कैबिनेट में जो 12वां मंत्री पद जो खाली है, जो बैद्यनाथ राम को एक तरीके से तय कर लिया गया था, बाद में उनको शपथ नहीं दिलाया गया, वो ये भी एक विवाद अलग से चल रहा है। तो 12वां पद जो कैबिनेट मंत्रिमंडल में खाली है वो कांग्रेस कोटे को मिले, दो मांग हो गई। और एक तीसरी जो महत्वपूर्ण मांग है वो ये है कि राहुल गांधी जो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि पार्टी के भीतर वन मैन वन पोस्ट की बात हो, उसको लेकर के सीएलपी लीडर भी हैं, आलमगीर आलम और मंत्री भी हैं, हम सिर्फ आलमगीर आलम के हवाले आधार पे नहीं किया गया, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं। और सुनिए, एक जो दबी जुबान में जो विधायक खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं वो एक बात ये भी है कि संगठन में भी फेरबदल की मांग हो रही है। देखिए, राजेश ठाकुर जी चूंकि नेतृत्व वो कर रहे हैं, गुलाम मोहम्मद मीर नए नए प्रभारी बने हैं, उनको उतनी जानकारी अभी नहीं है संगठन को लेकर के झारखंड कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। पुराने प्रभारी को जानकारी थी, अविनाश पांडे ने बाकायदा अपने कार्यकाल के दौरान कई दफ़ा इस बात को स्वीकारा कि मंत्रियों के कामकाज का असेसमेंट हो, तो राजेश ठाकुर के ऊपर भी सवाल खड़ा हुआ है। अब देखिए कि ये विधायक क्यों लौट रहे हैं, जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं कि सिर्फ अगर आश्वासन लेकर कहीं लौटना था, अब चूंकि देखिए केसी वेणुगोपाल वो चेहरा हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे यही जा रहा है कि गांधी परिवार से ज़्यादा अभी कांग्रेस में उन्हीं का चल रहा है। संजय बता रहे हैं कि तीन बातें लेकर ये लोग गए थे, तो आप कह रहे हैं कि तीनों में से कुछ भी नहीं होना है। देखिए, फिलहाल तो कुछ नहीं होना, मैं ये कह रहा हूँ बजट सत्र के बाद फिलहाल, जैसा पांडे जी बोल रहे हैं कल कुछ भी नहीं होना है, ऐसा थोड़े कि विधायक लोग लौटेंगे और कल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। बजट सत्र के बाद, बजट सत्र के बाद भी नहीं, अब लोकसभा के बाद का बात कीजिए। दूसरी बात मेरा ये कहना है, ऐसा आश्वासन दिया गया है क्या? नहीं, मेरे पास पुख्ता जानकारी है, चार विधायकों ने मंत्री बदलने का नाम ही नहीं लिया। अच्छा, वो कहा आपके पर है। हाँ। सारे चीज से घूमने आए थे दिल्ली। नहीं। हाँ। हमारा संगठन में ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, वो लोग बताए मंत्री के बदलने पर चार विधायकों ने मौन साध ली, ठीक है ना। उन्होंने सवाल, संभव है कि ये विधायक यहाँ से अपनी नाराजगी जताते हुए दिल्ली गए, दिल्ली में तीन दिन बैठे, उसके बाद जब सुप्रीम व्यक्ति से मिलने की का मौका मिले तब वो बोले ही नहीं, ऐसा संभव है क्या? 100% संभव है। कैसे? जैसे राहुल गांधी से मिलने की लालसा लेकर बहुत लोग बैठे रहते हैं। हाँ। पर वहाँ जाते हैं तो जो टोन और जो सोच का अलग बात है, लेकिन नहीं, बात कोई तो मांग नहीं रखा गया। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। चार विधायकों ने कहा वो तो आपके ऊपर निर्णय करता है, वो आप अवगत हैं पार्टी से। इतना तो बोला होगा कि आपको तो पता ही होगा कि हम क्यों आए हैं। नहीं, ये देखिए वेणुगोपाल जी का कद है, वहाँ पे सब कोई नहीं बोलता है और शॉर्ट में यस ओके में चल रहा है बात। ऐसा संभव है संजय कि जो विधायक इतनी नाराजगी जता दिए कि सोशल मीडिया हैंडल तक में अब तक जो मंत्री बन चुके हैं उनको बधाई तक एक मैसेज नहीं लिखे, एक शब्द भी नहीं लिखे हैं कि बहुत बधाई, दो शब्द भी,
वो विधायक को जब मौका मिले केसी वेणुगोपाल से बोलने का तो वो बोलेंगे ही नहीं ये बात? नहीं, मैं पांडे जी के सोर्स को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे झारखंड को ही नहीं पूरा देश को मालूम है कि कांग्रेस का जो 8 विधायक दिल्ली पहुंचा है वो किस लिए पहुंचा है, तो वेणुगोपाल को भी मालूम है। बताने की भी जरूरत नहीं है। इतनी व्यस्तता के बावजूद इन नाराज विधायकों से क्यों मिल रहे थे? गुलदस्ता तो लेना नहीं था, उनको मालूम है कि ये सारे लोग क्यों आए हैं। अब ये बात पांडे जी सही बोल रहे हैं कि वो उस टोन में जाकर के जिस तरीके से यहाँ बोल रहे थे, जाहिर सी बात है कि केसी वेणुगोपाल के पास उस तरीके से नहीं बोलेंगे। टोन की बात ही नहीं है, बात की बात है। बातचीत हुई है, सारे लोगों ने इस बात को दोहराया है, बाकायदा 8 विधायक। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण इन लोगों की जो एक स्ट्रेटजी रही सनी, और उसकी काबिले तारीफ होनी चाहिए कि सारे विधायकों ने बाकायदा वहां जाकर के किसी ने अपनी दावेदारी नहीं पेश की, और बाकायदा उधर से भी केसी वेणुगोपाल के तरफ से भी किसी से ये नहीं पूछा गया कि आप लोग क्या इच्छुक हैं, या फिर इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है। इन लोगों ने मंत्रियों को लेकर के ना केवल अपनी नाराजगी बल्कि इस बात को भी आधार बनाया, जिसमें जो कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, आपको याद होगा कि जिलाध्यक्षों ने भी नाराजगी जताई थी, कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई थी पूर्व प्रभारियों के पास जाकर के। इवन जो नए प्रभारी आए हैं, कई सारे ऐसा जिलाध्यक्ष जो जिन लोगों से बातचीत होती है, उन लोगों ने इतना तक कहा कि ये मंत्री जो है गुलाम अहमद मीर को घेरे रख रहे हैं, देर रात तक जो है हटते नहीं है, हम लोग अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हैं। तो चूंकि अभी गुलाम अहमद मीर पे सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, लेकिन आप देखिए कि अविनाश पांडे, ये तो सिर्फ इन विधायकों के ये नहीं है ना, राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी इच्छा थी कि पार्शियल चेंजेस हो। एक और पांडे जी बात बताइए, 3 पॉइंट्स आप समझिए एकदम बढ़िया से, और ताकि दर्शक भी कंफ्यूज ना रहे। सर्किट हाउस से पहले विधायकों की भावना समझी गई थी, शपथ ग्रहण के दिन, तो उस समय सारे विधायक अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगे थे कि हम मंत्री बन जाए। जब वो मामला बिगड़ गया, शपथ एज इट इज हो गया, तब ये लोग यूनाइट हुए कि भैया आप चारों को चुनिए, किसी चार को, इन चारों को हटाइए। वहां पे गए, वहां पे 4 विधायकों से ना किसी ने ये नहीं कहा कि हम मंत्री बदलवाने आए, बाकी दुनिया की सारी बातें हुई, संगठन में ये काम नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए, कार्यकर्ता का उपेक्षा हो रहा है, जिला अध्यक्ष से बात कर लीजिए, फलना से बात कर लीजिए, सब हुआ। वेणुगोपाल ने अपने आप खुद एक इन लोगों को लाइन दे दिया कि हम तुम्हारे तरफ सोच रहे हैं। कैसे? 3-3 और 2 का आंकड़ा करके मिले विधायकों से, 3 OBC जो थे उनको एक तरफ, 3 जो ट्राइबल हैं उनको एक तरफ, और 2 जो फॉरवर्ड जाति से कैटेगरी से आते हैं उनको एक तरफ। मैं यही पूछने वाला था कि ये जो अलग अलग मिले सबसे, इसका कोई कारण है? सबसे बाद में दीपिका पांडे और अनूप सिंह से क्यों मुलाकात हुई? सबसे पहले इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला और जो है नहीं, मतलब जो मिले शुरुआत में, कल जो मुलाकात हुई सिर्फ 3 लोगों से, अंबा प्रसाद, इरफान अंसारी और उमा शंकर अकेला, ये इसका कारण क्या है? ये तीनों OBC कैटेगरी से आते हैं। आप मन में लड्डू पहले ही फोड़ लीजिए कि हो सकता है हम तीनों में से किसी एक को जज कर लेंगे, ठीक है, और वो उसके लिए वो लोग स्वतंत्र थे कि आप किसी को जज कर लीजिए। 3 ट्राइबल में से थे, तीनों में से एक किसी को जज कर लीजिए, और 2 फॉरवर्ड में से जो है दोनों में से किसी एक को जज। अब पांडे जी की ही बातों से, पांडे जी जो बोल रहे हैं इनडायरेक्ट वे में तो यही बोल रहे हैं कि एक तरीके से केसी वेणुगोपाल जज कर रहे थे कि अगर OBC में से किसी को चुनना है तो इन तीनों में से चुन लेना है किसी एक को, और अपर क्लास में से चुनना है तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। ऐसा पांडे जी जो बोल रहे हैं उन्हीं की बातों में से मैं ये बोल रहा हूं। फेर है इसमें, समझ ये है कि जो दिख करना है उसको दिखाना नहीं है, और जो दिखाना है वो करना नहीं है। विधायक ये सवाल उठाए ही नहीं, इस वजह से कैटेगराइज किया गया था। आपके हिसाब से जो अलग अलग मिले तो उसमें से क्या सबसे एक एक चुन लिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, चुनने की कोशिश हुई कोई नहीं, फिलहाल कुछ नहीं होगा, आखिरी फैसला प्रदेश अध्यक्ष के पास ही आएगा। केसी वेणुगोपाल सबका माइंड रीड करने की कोशिश की है कि क्या ये लोग चाह रहे हैं? नेता है भाई देश के, इतने अलग मिलने के बाद हम बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो देश के इतने बड़े नेता है, सबसे अलग अलग लिया जब बातचीत हुई तो वो तो अपना कुछ तो थर्मामीटर लगाए होंगे, जांच किए होंगे कि अगर नाराजगी भी है तो किस लेवल तक है, अपेक्षाएं भी है तो किस लेवल तक की है, कैसे इसका बीच का रास्ता निकाला जाए, तो वो उन्होंने किया। लेकिन विधायक ये मुद्दा ना उठाए मंत्री वाला, शायद इसी वजह से कैटेगराइज किया गया ना, नहीं तो वेणुगोपाल जी चाहते अगर सबका डिमांड एक है, आइए भाई सब एक साथ,
अगर इंडिविजुअली भी मिलते तो एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक मिलते। अब तो संजय मिलने के बाद ये बात होने लगी कि भाई कुछ बात ही वैसी नहीं हुई है। जब तक मिले नहीं थे तब तक ये बात हो रही थी कि इन लोगों को वैल्यू ही नहीं मिल रहा है। तो लेकिन ये विधायक जो है ये मिल के ये तो साबित किए कि हम लोगों की बात को गंभीरता से लिया जा रहा है, मुलाकात हुई है, आश्वासन भी मिला है। तो इसका मतलब आगे क्या माना जाए कि क्या सचमुच में कुछ बदलाव होगा? इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दें, दर्शकों को यहाँ पे पहले ये समझाना जरूरी होगा, क्योंकि पांडे जी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल बयान न इनके पास है न हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। आप देखिए कि लेकिन जो एक्ट हुआ जिस तरीके से विधायकों के द्वारा और उसमें जो कंटिन्यूटी है उस पर बातचीत होनी चाहिए। और वो ये दिखाता है कि विधायक आगे बढ़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। ये सही बात है कि सारे विधायक जो ये चाह रहे थे कि कैबिनेट का चेहरा बदले, वो इस प्रयास में थे कि उनको मौका मिले, और महत्वाकांक्षी होना कोई खराब बात नहीं है, और वो लोग भी उस उम्मीद में थे। उसके पीछे का जो आधार दिया गया जो पहले हमने आपको बताया, अभी आप ये देखिए कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन जो है जिस तरीके से विधायक जो पहले अलग अलग थे वो एकजुट हुए और बाकायदा मांग पत्र उन्होंने सौंपी। शपथ ग्रहण समारोह में वो जान नहीं रहे थे। गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके तरफ से निवेदन करने के बाद वो लोग शपथ ग्रहण समारोह में गए। फिर सवाल एक सामने आया कि अब तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो गए, मंत्री बना लिया गया, अब कुछ विवाद नहीं रह गया है। लेकिन आप देखिए कि देर शाम फिर से राजेश ठाकुर के पास जो है ये सारे नाराज विधायक चले गए, और दूसरे दिन वो लोग शाम तक जो है दिल्ली रवाना हो गए। फिर खबर आई कि उमंग सिंघार से मुलाकात नहीं हुई है, उसकी भी तस्वीर जारी कर दी गई। फिर एक तस्वीर जारी हुई कि गुलाम अहमद मीर के साथ भी मुलाकात हुई है। अब केसी वेणुगोपाल को लेकर के ये चल रहा था चर्चा रांची में, क्योंकि विधायक दिल्ली में थे, यहाँ पे अलग अलग तरीके से चर्चा हो रही थी, अपने अपने सारे जो है बात सिमट जाएगी। अभी केसी वेणुगोपाल ने भी बाकायदा समय देकर के, और आपको एक चीज बता रहे हैं सनी कि काफी समय देकर के मुलाकात हुई, ऐसा नहीं कि आप मिले और गुलदस्ता दिए और फोटो खिंचाए चल दिए। 10-10, 15-15 मिनट सारे लोगों को समय दिया गया, और जो भी ग्रीवांसेस थे विधायकों के उससे अवगत कराया गया है। तो एक चीज तो तय है कि केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का है वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। अब एक चीज बताइए, क्या अब इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है कि नाराज विधायकों से जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं वो भी मिल सकते हैं, मिलकर इन्हें मनाने की कोशिश, या उनको कहेंगे कि भाई आप जो हमसे नाराजगी है बताइए? कभी नहीं होगा ऐसा, संभव नहीं है। नहीं, विधानसभा में सब एक दूसरे से मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे, उसमें कोई नाराजगी आपको मुलाकात नहीं हो सकती। व्यक्तिगत मुलाकात की बात ही नहीं है, चाहेंगे नहीं ये लोग मिलना। वो संभवतः सदन शुरू हो जाएगा एक दिन दो दिन, तो फिर उसके बाद ऑफ है, तीसरे या चौथे दिन आएंगे आलमगीर साहब। बन्ना जी अपना जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से आएंगे, तो वैसी नाराजगी उन लोगों से क्यों है? वो लोग ऐसा दिखाएंगे भी नहीं और ये लोग दिखाने का कोशिश भी नहीं करेंगे। नाराजगी तो उनको मतलब केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से है, तो इनसे नाराजगी व्यक्तिगत थोड़ी है। तो अब वो तो वो प्रदर्शित भी नहीं करेंगे, जैसे सदन में मिलते हैं वैसे ये लोग सबको ही मिलेंगे। मेरा ये सवाल है कि जब विधायकों को अगर जिस तरीके से पहला क्या कहा गया, देखिए मैं कई ऑफ द रिकॉर्ड बातें होता है उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता, ये कहा गया कि जब इन लोगों ने बैठक की और ये तय किया कि हाँ अब जो ये डिसीजन हुआ गलत हुआ। कहाँ? तो, सर्किट हाउस की बैठक की बात कर नहीं, दिल्ली में जब उसके शपथ ग्रहण के बाद जब बैठक हुई राजेश ठाकुर जी के आवास उसी पर, दिन रात को हाँ, बैठक हुई, उस समय मीडिया को इन लोगों को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। ठीक है, इस बयान से नाराजगी है। हाँ, कि अगर आपको आपत्ति ही थी, आपको आलाकमान से ही मिलना था तो आना था। तो ये नाराजगी किसको हुई है? जो सीनियर लोग बैठे हैं जिनसे मिलने की बात थी। अच्छा, दिल्ली में। हाँ, दूसरी बात ये थी कि आप मीडिया में बयान देकर क्यों कहा कि जयपुर जा रहे हैं? आप कहते हैं हम दिल्ली जा रहे हैं। जयपुर तो ऐसा मीडिया में कोई आया था उस बाइट में बैठक के बाद से कई लोगों ने कहा था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है। इसके अलावा और मुद्दा ये है कि क्या ये अनुशासनहीनता में आता है कि नहीं आता है? हाँ। तो उन लोगों का क्या जो अनुशासनहीनता में बाहर हैं पार्टी से? हाँ। इन पे भी होगा क्या कार्रवाई? लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से मिलना कोई अनुशासनहीनता की बात नहीं है, इसीलिए इन लोगों ने लास्ट डिसीजन लिया कि नहीं हम लोग दिल्ली में रहें। मेरा ये कहना है आपने अपनी भावना से अपने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया, ये बहुत अच्छी बात है, और हेल्दी पॉलिटिकल पार्टी चले उसके लिए ये जरूरी भी है। लेकिन
ये जो दो तरह का है, पहले तो विधायकों को लगा कि हम बन जाएंगे मंत्री, इस बार हम बन जाएंगे, नहीं तो एक एक का इंडिविजुअल का राय वो तो जाने थे ना प्रभारी, उस समय इस तरीके की यूनिटी अगर दिखती कि आप किसी चार को चुन लीजिए, इन चारों को हटा के, तो काम हो जाता। अब वहाँ दिल्ली गए, ये पुख्ता प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि कई लोग अगर इसमें हिम्मत करेंगे तो कह देंगे ये आपको माइक पे कि उन्होंने नहीं कहा मंत्री के विषय में, उनसे कहा कि वो तो आपका निर्णय है सर, उस पर हम लोगों को कुछ नहीं कहना, पर हमारे क्षेत्र में ये नहीं हो रहा। पांडे जी जो बोल रहे हैं शायद स्लिप कर रहे हैं, इनको याद नहीं आ रहा होगा, उमंग सिंघार को पर्यवेक्षक बनाने का कोई अधिसूचना जारी नहीं किया गया, ठीक है, खबरें आई कि उमंग सिंघार से कैसे मुलाकात हो सकती है, बाद में तस्वीर भी जारी कर दी गई, तो एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी काफी गंभीरता से इनको ले रही है और इनकी नाराजगी को भी ले रही है। ये जो मीडिया में भले ही किसी ने बयान दिया होगा कि जयपुर गए जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, मैं एकदम विश्वस्त सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं सनी कि ये लोग नाराज होकर के दिल्ली नहीं गए थे, बुलाया गया था, बुला लिया गया था। उमंग सिंघार जब पर्यवेक्षक उनको बना दिया गया और जब इन लोगों से संपर्क किया गया तब ये लोग दिल्ली गए हैं और दिल्ली में जाकर के बातचीत हुई है। ऐसा नहीं है कि ये लोग नाराज हो गए और फिर इनको ढूंढा जा रहा है और ये गायब हो गए कहीं, हाँ इतनी नाराजगी नहीं थी, इस कदर नाराजगी नहीं थी। इन विधायकों को भी मालूम था कि अगर हम बगैर बुलावे पे अगर खुद से हम अगर एक एक गुट, चूंकि आप जब 12 की संख्या में दावा कर रहे हैं तो एक तरीके का गुट आप बना लिए हैं, तो ऐसा करके ये लोग अपने फ्यूचर से भी जो है खिलवाड़ नहीं करना चाह रहे थे और ना करने वाले थे। इन लोग का जो सीधी नाराजगी है वो इन चारों मंत्रियों से है, जिसको लेकर के इनको लगता है कि अगर ये चारों मंत्री रह गए तो इनका जो है चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके पीछे का वो आधार दे रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता नाराज है आपका, मंत्री फोन नहीं उठाता है। सनी एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि माफ कीजिएगा, केसी वेणुगोपाल के ऑफिस में आज दोपहर की बात मैं बता रहा हूँ, वहां पे ऑफिस में एक विधायक के द्वारा जो है दो मंत्रियों को फोन लगाया गया वहीं से, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि वहाँ पे केसी वेणुगोपाल नहीं थे, लेकिन केसी वेणुगोपाल का जो ऑफिस के जो उनको मतलब जो असिस्ट करते हैं केसी वेणुगोपाल के लिए, मतलब मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी के तहत, और उनको बताते हुए कि ये कोई नया नंबर से फोन लगाया गया कि अपने नंबर से, नंबर से फोन लगाया गया, ठीक है। और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद भी जो है ये 40 से 45 मिनट का दौर रहा, तब तक ना फोन रिसीव किया गया और ना फोन आया। तो एक एग्जांपल, हम बिल्कुल सही पांडे जी बोल रहे हैं कि चूंकि जो विधायक हैं वो तो उस तरीके से जाकर के नहीं बोल रहे थे, क्या दिखाने की कोशिश हो रही थी कि नहीं फोन उठाते हैं हम लोग, बिल्कुल वो दिखाने की कोशिश हुई कि इनकी जो नाराजगी है वो कोई ऐसे ही नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं है फोन नहीं उठाना, ये भी हो सकता है कि भाई अभी तो टकराव वाली स्थिति है, टकराव वाली स्थिति अलग बात है, लेकिन एक चूंकि परसेप्शन तो ये बना दिया गया ना कि आपके मंत्री आपका फोन नहीं उठाते हैं, बकायदा इस बात की तो पूरे राज्य भर में चर्चा है, और वो एक एग्जांपल भी देने की कोशिश की गई, दो दो मंत्रियों को फोन लगाया गया और 40-45 मिनट तक वो विधायक वहाँ पे रहे जब तक कि उनका मौका नहीं आ जाए केसी वेणुगोपाल से मिलने का, और केसी वेणुगोपाल से मिल करके भी वो इंतजार कर रहे थे चूंकि और एक विधायक को जो है मिलना था। तो देखिए ये संजय बता रहे हैं कि लाइव प्रूफ दिया गया वहाँ पे, प्रूफ इनसे अगर किसी को एतराज हो आपके बोली से तब ना, अनूप सिंह जी का बाइट है कि हाँ हम नाराज हैं, पर आपको क्यों बताएं किस बात को लेकर नाराजगी, तो सभी विधायक का लगभग बयान है, तो वो नाराजगी थी। और किसी ने इनको पर्यवेक्षक पहले नियुक्त नहीं किया गया था, इन लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया था टिकट वो दिखा सकते हैं कब का था, और टिकट जाने का जब फैसला हो गया उसके बाद एक दिन बाद, मतलब रात को ये लोग गए, दूसरे दिन ये तय हुआ कि पहले वो मिल लेंगे, आप इस बात को समझिए। मेरा ये कहना है वो वाली टिकट पांडे जी सब कुछ को मिला दे रहे हैं, मिक्सअप कर दे रहे हैं, वो टिकट ये लोग 12 लोगों का टिकट कटा था ठीक है, और वो सोशल मीडिया पे सार्वजनिक हुआ है। वो एक टिकट कटा करके एक संदेश भी देने की कोशिश की गई कि हम लोग जो है इस कदर नाराज हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, उसी के बाद तो आनंद फानन में उमंग सिंघार को बगैर पर्यवेक्षक का अधिसूचना जारी किए हुए उनको जिम्मेवारी, उसी के बाद तो बसंत सोरेन पहुंचे, पहले तो 2 बजे की खबर थी कि 2 बजे जाना है लेकिन वो नहीं जा रहे थे, बाद में जब ये हुआ कि नहीं ठीक है तुम लोग आ जाओ तब जाकर के सारे विधायक गए हैं। क्या बोले, मुझे ऐसा नहीं लगता ये सब गॉसिप है, विधायक अपनी लाज बचाने के लिए अब कुछ भी कह देंगे मीडिया के सामने,
ना ही आधिकारिक बयान केसी वेणुगोपाल देंगे ईडी की तरह, ना ही किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की तरह इनका भी बयान आएगा। लेकिन अगर वेणुगोपाल जी इस पे जो कहा गया था, अगर इन विधायकों की इतनी संख्या थी 12 में से 8 ही पहुंचे, तो कुछ तो आएगा ना अगले 2-3 दिन में निर्देश। मान लीजिए मंत्रिमंडल विस्तार में अब फेरबदल में समय लग सकता है, वो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा संगठन स्तर पर। तो वो सारी चीज़ें हैं। देखिए होता क्या है ना कि पहले वहाँ जांचा जाता है लेबल गुस्से का, उसके बाद आकांक्षाओं का कि क्या आकांक्षाएं। आप भी जानते हैं लोग तो गुस्सा तो बहुत है, ये तो दिखा दिया गया कि सोशल मीडिया पर न बधाई दी गई और अभी तक सभी विधायक एकजुट हैं और एकजुटता के साथ दिल्ली में 4 दिन तक डटे भी रहे। देखिए पॉलिटिक्स में ना गुस्सा होता है कोई, ना दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। बोले कि गुस्सा नापा जा रहा है, हाँ तो वही नापा गया थर्मामीटर से, मैं आपको बता रहा हूँ। और यही हुआ, अगर ऐसा था पहले विधायकों ने कहा ना कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम सदन अटेंड नहीं करेंगे, ये ऐसा कोई बयान नहीं आया था। एकदम बयान आया है, बयान आया है मेरे से बातचीत में कहा, बातचीत में वो तो अनऑफिशियल बयान हो गया ना। तो वो अब क्या हुआ, लेकिन विधायकों के तरफ से जो ऑफिशियल बयान हमेशा यही आते रहा वो लेटर कि हमारा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम सरकार गिराने जा रहे हैं या फिर बजट सत्र में भाग नहीं लेंगे। बजट सत्र में भाग ना लेना सरकार गिराना नहीं होता है। अगर मेरी बात सही है तो निकाल, गलत है तो निकाल दे। प्रदेश अध्यक्ष को वो लेटर मिला, उसमें लिखित है ये क्या है बात कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम बजट सत्र में भाग नहीं लेंगे। विधायकों का उस पर 12 विधायकों का साइन है, उसमें 4 उसमें तो, लेकिन मांग पत्र है, अपनी बात तो है नहीं। मांग पत्र में ही ये लिखा हुआ है, अच्छा, मंत्रियों को बदलना, संगठन में फेरबदल करना, एक पद एक कल, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो हम भाग नहीं लेंगे। ये तो कोई हवा में ऐसा है, पत्र में है ये, उस पत्र में है। और ये तो हम लोग डेवन से चला रहे हैं, जिस दिन से नाराजगी है उसमें 2-3-4 चीजें जो महत्वपूर्ण है, उसमें एक चीज ये था कि अगर इनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया तो ये लोग बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे और मंत्रियों को बदलने तक शामिल नहीं होंगे। अब चूंकि देखिए क्या है कि वो जो पत्र दिया गया उसमें एक चीज सारी ये बातें भी थी कि आपके मंत्री फोन तक नहीं उठाते हैं, ये तो बयान बकायदा राजेश कच्छप दिए, बयान तक आया और बकायदा। अच्छा, राजेश ठाकुर ने भी कल जो मनोज पांडे से जो बातचीत की कल एयरपोर्ट पे, उसमें भी उन्होंने एक संकेत दिया कि भाई बदलाव तो कभी भी हो सकता है और बदलाव तो ये तो प्रक्रिया में है, तो आपको तो इंतजार करना होगा जब तक कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाए। वो ना विधायक अंदर की बात बताएंगे, ना केसी वेणुगोपाल अंदर की बात कैमरा पे तो नहीं बताएंगे, और बात बाकी जो बातें हो रही है उसके मुताबिक यही है सनी कि ये लोग कम से कम आश्वस्त हैं, आश्वस्त होकर लौट रहे हैं। वो एक आखिरी सवाल ये बताइए, ये जो 12 विधायक नाराज हैं जिसमें से 8 अभी दिल्ली से आ रहे हैं, इसमें से कोई एक मंत्री बन पाएगा या नहीं? अभी तो कोई नहीं बन पाएगा, अगर एक बनेगा तो क्या मतलब लोकसभा तक। अच्छा, लोकसभा के बाद संभावना बन सकती है, अगले महीने लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद क्या संभावना होगा अब तो वो उस समय का परिस्थिति, उस समय क्या सिचुएशन होगा, कांग्रेस क्या क्या यहाँ पे प्रदर्शन रहता है, जेएमएम का क्या प्रदर्शन रहता है, आरजेडी का, माले का, उस पे सारा चीज समीकरण डिपेंड करेगा। हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री स्वयं फैसला ले ले, तो बहुत सारी चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, वो बदल जाएंगी। उस समय जिस तरीके से जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि हेमंत जी हो सकता है बाहर आ जाएंगे, तो फिर तो नेतृत्व पुराना आ जाएगा, तो वो अपने हिसाब से टैकल कर लेगा चीज़ों को। तो अभी जिस बात को मैं कह रहा था कि वो खाली हाथ गए, खाली हाथ आए, अगर ऐसा नहीं तो सदन में क्यों आए। तो बिल्कुल, देखिए अब सिर्फ 10 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है। हमारे पीछे देखिए ये बोर्ड लगा है और जिसपे दिल्ली की फ्लाइट जो है 8 बजे यहाँ पर पहुँचनी है, समय पर ये फ्लाइट है। अभी जो है 7:45 हो गए हैं, अब 8 बजने ही वाले हैं, 50 मिनट हो चुके हैं, तो अब सिर्फ 10 मिनट बाद दिल्ली की फ्लाइट पहुंचेगी और उसके बाद सभी विधायक इसी गेट से बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलने के बाद वे क्या बोलते हैं उनके बयान पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर इनकी नाराज़गी ये जारी रहेगी या फिर ये नाराज़गी खत्म
कर दिल्ली से लौटे हैं और अब आगे कुछ नहीं होगा, नाराजगी तो जारी रहेगी, बयान नहीं आएंगे, व्यक्त नहीं किया जाएगा, स्वर मीठे हो जाएंगे। हाँ, जो चार साल से नाराजगी आज की थोड़ी है, और इन लोगों ने मीडिया के सामने अभी लास्ट में कहा, मैं तो इन विधायकों की तारीफ करना चाहूंगा। जब प्रभारी बैठक कर रहे थे रातू में, वहाँ पे भी सारे विधायकों ने यही कहा कि भाई यह फोन नहीं उठाते हैं, जिला अध्यक्ष थे। लेकिन अभी आपको बता दूं, मैंने 8 जिला अध्यक्षों से बात की, उन्होंने कहा कांग्रेस तो ऐसे ही चलती है, कौन सा नया बात है, अब किसी को और वहाँ बना दीजिएगा तो वो भी नहीं उठाएगा, आज उठा रहा है तो बोला वो सिस्टम है इस तरीके से, मतलब वो लोग भी हताश है, निराश है नेताओं से, तो आम आदमी की क्या बात करें। तो बिल्कुल आप बने रहें, 10 मिनट बाद फिर हम लोग जुड़ेंगे और दिखाएंगे कि आखिर रांची पहुंचने के बाद ये नाराज विधायक क्या कुछ बोलते हैं। शुक्रिया। कनेक्शन आ गया, हट नहीं रहा।